चल, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद थर्ड आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ खुद क्राइटेरिया, ठीक है, टू अ प्लेन के नीचे क्या होता है। मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फॉर्मूला होता था, एन इज इक्वल टू 3L-1-2J-H। 3L में L क्या होता था, नंबर ऑफ लिंक्स। J क्या होते थे, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स। H क्या होते थे, नंबर ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर का मतलब पॉइंट कॉन्टेक्ट या फिर लाइन कॉन्टेक्ट। ये मैकेनिज्म विद हायर पेयर है, ठीक है। देखते हैं इसका क्या स्टेटमेंट था कोट्स बाय क्राइटेरिया का, क्या बोला था इन्होंने बेसिकली। वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस दैट द कोट्स बाय क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवेबिलिटी ऑफ अ प्लेन मैकेनिज्म इज दिस, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मूला आता था ये होता था आपका कोट्स बाय क्राइटेरिया से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका होता था इसमें एक, हाँ, ये कुछ वह क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई किया था हम लोगों ने जब आपके हायर पेयर एग्जिस्ट करते थे। हायर पेयर का मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट कॉन्टेक्ट है, एंड जो बी आपका डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, अगर ये रोलर है तो आपका लाइन कॉन्टेक्ट होगा, और अगर ये स्फेयर है तो आपका क्या होगा, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक हायर पेयर। नेक्स्ट ग्रेबलर स्क्वायर क्राइटेरिया, क्या होता है ग्रेबलर क्राइटेरिया। ग्रेबलर क्राइटेरिया में क्या होता है, द ग्रेबलर क्राइटेरिया अप्लाइज टू मैकेनिज्म विद ओनली सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1, विद ओनली सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्वाइंट्स वेयर द ओवरऑल मूवेबिलिटी ऑफ द मैकेनिज्म इज यूनिटी, ठीक है। तो जब आप इस फॉर्मूले में, ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें आप जब एन इजक्वल टू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम इजक्वल टू 1 पुट करते हो, और एच इजक्वल टू 0, एच इजक्वल टू 0 मतलब हायर पेयर क्या हो गया आपके, 0 हो गए, उस समय आपको जो इक्वेशन मिलती है वो इक्वेशन कौन सी होती है आपकी, ग्रेबलर क्राइटेरिया, ठीक है, सिंपल सा है एकदम। क्या करो, आपके पास जो भी क्वेश्चन है कुछ पर इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन थी, एन इज़ टू 3L-1-2J-H, इसमें एच इज क्वेश टू 0 एंड एन इज क्वेश टू 1, ये किसके लिए है, अगर ऐसा होता है तो ये हो जाती है आपकी ग्रबलर्स क्राइटेरिया। ठीक है, जब आप ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सुनो देखो, एन इजक्वल टू 1 इजक्वल टू 3L-1-2J-H, एच इजक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। यहाँ से आप देखते हो ये सॉल्व जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इजक्वल टू 3L-3-2J-0, ठीक है। 1 को इधर ले आओ, जब 1 को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 3L-2J-0। इसको अगर कोई इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से कुछ गड़बड़ किया, इधर 1 लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका 4, सिंपल, यही आपका ग्रेबर स्कोर क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन क्या आयुष, ठीक है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखना है तुम्हें कि हमारे पास क्या करना है, हमको एक लिंक को फिक्स करना है। तो हमारे पास लिंक कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, हम चार में से एक को फिक्स कर देंगे तो हमको मैकेनिज्म मिल जाएगी। हमारे पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन है कि हम फिक्स किसको कर रहे हैं, फर्स्ट को कर रहे हैं, सेकंड को कर रहे हैं, थर्ड को कर रहे हैं कि फोर्थ को कर रहे हैं। सही बात है, ठीक है। तो इन्वर्जन क्या होता है बेसिकली, अगर हम इन्वर्जन की डेफिनेशन देखें कि क्या करो आप, किसी एक लिंक को फिक्स करके जो हमको मैकेनिज्म मिलती है, दैट इज ये मेथड जो होता है हमारा, दिस मेथड इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म। कि हमने डिफरेंट डिफरेंट जो लिंक्स थे उनको फिक्स
फिक्स किया और जो हमको डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मिली दैट आर नोन एज द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन, चेन हमने देख ली थी, बट कितने टाइप्स की काइनेमेटिक चेन होती है ये देखते हैं। ठीक है, आपके पास बेसिकली देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक चेन आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ फोर लोअर पेयर्स। ठीक है, लोअर पेयर्स मतलब ज्वाइंट कैसा हो। लोअर पेयर क्या होते हैं, हायर पेयर क्या होते हैं, सरफेस ज्वाइंट हो। सरफेस ठीक है, ईच पेयर बीइंग अ स्लाइडिंग पेयर और अ टर्निंग पेयर, जिनमें से एक, सारे पेयर क्या है, या तो स्लाइडिंग होंगे या तो आपके टर्निंग पेयर होंगे। द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन विद फोर लोअर पेयर आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर हम फोर बार चेन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फोर बार चेन मैकेनिज्म, सॉरी, अगर हम काइनेमेटिक चेन की बात करते हैं तो आपके पास बेसिकली ये तीन मैकेनिज्म होती है, तीन काइनेमेटिक चेन होती है, सॉरी, जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से काइनेमेटिक चेन है, फर्स्ट इज द फोर बार चेन और क्वाड्रिक साइक्लिक चेन, सेकेंड वन इज द सिंगल स्लाइडर क्रेन क्रैंक क्रैंक चेन, थर्ड इज द डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तीन तरीके की आपकी काइनेमेटिक चेन हो गई। पहली हो गई आपकी फोर बार चेन, सिंपल, ये जो बनी हुई है इसको बोलते हैं आप फोर बार चेन, जिसमें आपके फोर बार्स होते हैं ये। दूसरी होती है आपकी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का क्या मतलब हुआ, एक स्लाइडर होगा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इसमें बनी हुई है, नीचे होगी। ठीक है, एक वही सिंपल पिस्टन सिलेंडर असेंबली। ठीक है, ये रहा पिस्टन सिलेंडर असेंबली, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में पहुंचे, क्लियर। एंड थर्ड वन इज द डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, बस में क्या होगा, डबल एक्टिंग इस तरीके से पिस्टन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, बेसिकली इसको डीप में देखते हैं। पहली जो आपकी आपकी फोर बार चेन और क्वाड्रिक साइकिल चेन, पहले क्या आपकी फोर बार चेन और क्वाड्रिक साइक्लिक चेन, तो मैंने आपको बताया कि फोर बार चेन का मतलब इसमें कितने बार होंगे, फोर लिंक, कितने होंगे, फोर लिंक्स होंगे। बारी बारी से हम एक दूसरे को फिक्स करते हैं, पहले फर्स्ट को करके देखेंगे, देन सेकंड को करके देखेंगे, देन थर्ड को करके देखेंगे, देन फोर्थ को करके देखेंगे। जब ये आप अलग अलग फिक्स करते हो तो आपको मैकेनिज्म भी अलग अलग मिलती है। ठीक है, कब कौन सी मैकेनिज्म मिलती है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले इसमें एक ये पैरा इंपॉर्टेंट है काफी, इस पैरा को हम लोग देखते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द काइनेमेटिक चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर और मोर काइनेमेटिक पेयर। ये बात तो सही है, या तो चार होंगे या तो चार से ज्यादा होंगे, सच दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक और एलिमेंट्स इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंड। उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होगा। उसके बाद द सिंपलेस्ट एंड बेसिक काइनेमेटिक चेन इज फोर बार चेन और क्वाड्रेटिक चेन। इट इज कंसिस्ट ऑफ फोर लिंक्स, ईच ऑफ देम फॉर्म अ टर्निंग पेयर। देख रहे हो ना आप एक दूसरे के प्रति, अगर आप ए बी की बात करें एंड ए डी की बात करें तो ये एक दूसरे के अबाउट क्या कर रहे हैं, टर्न ले रहे हैं। ए बी को अगर आप फिक्स करते हो, बी को अगर आप रोटेट करना स्टार्ट करो तो क्या करेगा, इसके अबाउट टर्न करेगा ना एक फिक्स रेडियस पे। ठीक है, सारे के सारे यही है। सी डी एंड बी सी की अगर आप बात करते हो तो सी डी एंड बी सी भी आपस में एक दूसरे के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर। सो अकॉर्डिंग टू ग्रासहॉपर्स लॉ फॉर अ फोर, हाँ, यू नहीं सर बोलो ब्रो। सो अकॉर्डिंग ग्रासहॉपर्स लॉ क्या होता था, अकॉर्डिंग टू ग्रासहॉपर्स लॉ फॉर अ फोर बार चेन मैकेनिज्म, द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ। इसमें देखो कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, सबसे बड़ी आपको इसमें कौन सी चेन दिखाई दे रही है, कौन सा लिंक इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, वन टू थ्री फोर में, टू एंड फोर, टू सॉरी टू लिंक टू वन, सेकेंड लिंक आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लिंक हो सकता फोर, है थर्ड, हाँ हो सकता है थर्ड भी बड़ा हो या हो सकता है फर्स्ट बड़ा हो, कोई भी छोटे बड़े हो सकते हैं, सही बात है ना, कोई भी आपके छोटे बड़े हो सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ऐसा तो नहीं फिक्स है कि यही छोटा होना है या फिर यही बड़ा होना है, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, बट ये क्या कह रहे हैं कि द फोर बार लिंक्स में भी डिफरेंट लेंथ, क्या लिखा हुआ है, द फोर लिंक्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू ग्रासहॉपर्स लॉ फॉर अ फोर बार मैकेनिज्म,
द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ लिंक लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू लिंक्स। ठीक है, क्या इनके कहने का मतलब है? ग्रासहॉपर्स लॉ क्या होता है देखो जरा। कि अगर आपकी 4 बार चेन है जिसमें ये लिंक फिक्स है, फिक्स लिंक को क्या नंबर देते हैं बताओ? फिक्स लिंक को क्या नंबर देते हैं? वन सर वन देते हैं, यानी फिक्स लिंक को आप क्या दे दोगे? वन। ठीक है, उसके बाद बुक के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, इसमें आपको भी कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट इसको दिया है, ये सेकंड दिया है, ये थर्ड दिया है, ये फोर्थ दिया है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड लिंक है या फिर जो सबसे छोटा लिंक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? फोर्थ। शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा? शॉर्टेस्ट फोर इज फोर्थ। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने जो लॉन्गेस्ट टू लिया हुआ सर है, कोई भी हो सकता है, जो लॉन्गेस्ट लिंक इन्होंने लिया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग, शायद इसमें ये नहीं दिया कि सबसे छोटा है कौन सा बड़ा लिंक है, बस ये 4 लिंक दे दिए हैं, जिसमें इन्होंने नहीं बताया कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। बट हम फिगर को अगर देखें तो फिगर में कंसीडर हो रहा है कि लिंक सेकंड सबसे छोटा है और सबसे बड़ा लिंक आपका सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता कि कौन सा आपका छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, वो तो डिपेंड करता है, डिनोट करते हैं कि हमारे अपोजिट में शॉर्टेस्ट के अपोजिट में कौन सा है, लॉन्गेस्ट के अपोजिट में कौन सा है, इन सारी चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, जी देखते हैं कि क्या आपका ये बेसिकली बनाते हैं ग्रासहॉपर्स लॉ के अकॉर्डिंग, ग्रासहॉपर्स लॉ होता है बेसिकली, ग्रासहॉपर्स लॉ। तो ग्रासहॉपर्स लॉ में इन्होंने बोला कि जो शॉर्टेस्ट लिंक होता है और जो लॉन्गेस्ट लिंक होता है, इनका जो समेशन है बाकी दो लिंक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और अगर इन दोनों लिंक से बाकी का जो छोटा है लिंक का समेशन, तो ही आपका एक ग्राफर्स ग्रास ऑफ लॉ को बेसिकली करेगा सेटिस्फाई, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं। ठीक है, अब एक चीज हमने लास्ट ऊपर शायद नहीं बताई होगी भी आपको, देखो एक पॉइंट था ये, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, नोट है ये, क्या बोला इसने? द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म विच इनिशियली मूव्स विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम और फिक्स्ड लिंक, जो फिक्स्ड लिंक होता है उसको क्या बोलते हैं आप? फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ, ड्राइवर फ्रेम और फिक्स्ड लिंक इज कॉल्ड ड्राइवर, उसको क्या बोलोगे आप? ड्राइवर, जो फिक्स्ड लिंक होगा। एंड द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म टू विच मोशन इज ट्रांसमिटेड, जिस लिंक में मोशन ट्रांसमिट हो रहा होगा उसको क्या बोलोगे आप? फॉलोअर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म आर रिवर्सिबल, ज्यादातर मैकेनिज्म आपके रिवर्सिबल मैकेनिज्म होते हैं, सो दैट द लिंक कैन प्ले द रोल ऑफ अ ड्राइवर एंड फॉलोअर, जो एक लिंक होता है उसको हम ड्राइवर या फॉलोअर, एक ही लिंक को, सेम लिंक को हम ड्राइवर भी कह सकते हैं एंड फॉलोअर भी कह सकते हैं, क्योंकि तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो जो एक बार ड्राइवर बन गया ऐसा जरूरी नहीं कि वो सकते फॉलोअर नहीं हो सकता, वो फॉलोअर भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में क्या होता है? जो पिस्टन होता है एक बार ड्राइवर होता है और फिर जब फ्लाईव्हील घुमाता है उसको पीछे लेकर के जाता है, तो फिर उस समय क्या हो जाता है बताओ? उस समय फ्लाईव्हील फॉलोअर ड्राइवर हो जाता है, यानी आपके जो पिस्टन होता है वो ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखना जरा इस डायग्राम को देखना, इसमें कुछ चीजें हैं वो कंसीडर करना, लाइक अगर हम आप इसी डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में अगर हमसे कहें कि
लिंक जो है ये सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। बताओ इसमें फॉलोअर कौन सा होगा, ड्राइवर कौन सा होगा, कौन सा लिंक फॉलोअर होगा, कौन सा लिंक ड्राइवर होगा, बोलो। लिंक वन ड्राइवर होगा। लिंक वन, वन यस सर। तो फिक्स हो गया ना। सर वो दोबारा बताना जरा, वो क्या वो स्टेटमेंट जो था। देखो कहने का ये मतलब था, ये जो स्टेटमेंट नोट पॉइंट था, इस नोट पॉइंट में मैंने ये बोला है नीचे, ये द पार्ट ऑफ अ मैकेनिज्म विच इनिशियली मूव्स विद द रेस्पेक्ट ऑफ द फ्रेम और फिक्स्ड लिंक। जो भी लिंक आपका जो होगा वो फ्रेम या फिर फिक्स्ड लिंक के से रिलेटिव मोशन में होगा, उसको क्या बोलेंगे आप, ड्राइवर बोलेंगे। और जिसमें मोशन ट्रांसफर हो रहा होगा उसको बोलेंगे फॉलोअर। ठीक है, मैंने आपके सामने बना दी 4 बार चेन मैकेनिज्म। ये इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें फॉलोअर कौन सा और ड्राइवर कौन सा है। फर्स्ट लिंक फॉलोअर होगा, फोर्थ लिंक फॉलोअर होगा, या थर्ड लिंक फॉलोअर होगा, या क्या ड्राइवर होगा। फोर्थ लिंक फॉलोवर होगा। फिर वही बात, फोर्थ लिंक फर्स्ट से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और इसी को हम मोशन दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ड्राइवर। और फॉलोअर कौन सा हो जाएगा अच्छा थर्ड। ड्राइवर। अब बात आई समझ में, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना इसमें। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग अ मैकेनिज्म इज टू इंश्योर दैट द इनपुट क्रैंक मेक्स अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कहने का ये मतलब है, देखो हम इनकी 1, 2, 3, 4 की जो लेंथ है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं। कहने का ऐसा मतलब है कि अगर इसी को हम ऐसा बना देते, हाँ ठीक है, ये तो फिक्स हो गया, इसको 1 बोल दिया, ये हो गया 2। हम बोल रहे हैं कि इसको हमें ओमेगा दिया है, यानी ये इस तरीके से रोटेट करता, क्या इसका कंप्लीट रोटेशन हो सकता था, पॉसिबल था। ये जो सेकंड लिंक है, क्या इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, पूरी तरीके से इस तरीके से एक पूरा चक्कर ऐसे लगा सकता है इस तरीके से। प्रैक्टिकली आपको दिखाई दे रहा है क्या, नो नहीं सर। है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 4 बार चेन मैकेनिज्म जो हो उसमें सारे जो लिंक हो वो हमेशा सारे के सारे जो हो एक, मतलब जो एक लिंक है आपका ड्राइवर है उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो पाए, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, वही ये बोल रहे हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग अ मैकेनिज्म इज टू इंश्योर दैट द इनपुट क्रैंक मेक्स अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू द अदर। उसके बाद द मैकेनिज्म इन विच नो लिंक मेक अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जिसमें ऐसी मैकेनिज्म जिसमें एक लिंक का, किसी भी लिंक का कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, मिनिमम एक लिंक का, तो ऐसी मैकेनिज्म को हम लोग कंसिडर नहीं करते, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि हम उसमें रिस्ट्रिक्टेड मोशन कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड मोशन करके हम उसको यूजफुल नहीं बना सकते हैं ज्यादा। थोड़ी आवाज साफ नहीं आ ये कह रहे हैं रही। कि ऐसी मैकेनिज्म जिसमें एक किसी भी लिंक का कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, चारों में से किसी भी लिंक का कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी मैकेनिज्म हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, ओके okay. अब क्या कह रहे हैं आगे, 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में। इन अ 4 बार चेन वन ऑफ द लिंक इन पर्टिकुलर द शॉर्टेस्ट लिंक विल मेक्स अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन रिलेटिव टू द अदर 3 लिंक। ठीक है, इफ इट इज सेटिस्फाई द ग्रॉफर्स लॉ, अगर ये सेटिस्फाई करता है ग्रॉफर्स लॉ को। ग्रॉफर्स लॉ का क्या मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट है और जो लॉन्गेस्ट है इनका जो समेसन है वो बाकी अदर 2 लिंक्स के सबसे, जो शॉर्टेस्ट है एस प्लस एच शुड बी ग्रेटर देन अदर टू। ठीक है, अदर टू आपके कोई भी हो जाएंगे, मान लो ए प्लस बी हो गई, ये 2 लिंक हैं बेसिकली, शॉर्टेस्ट का मतलब बाकी जो 2 हो गए रेस्ट में समझ लो लिंक, लिंक तो मत कंसीडर करो। जैसे अगर हम इसी में आपको बात करते, आपसे कहते
इसमें फोर्थ और फर्स्ट, फोर्थ सबसे छोटी है, फर्स्ट सबसे फोर्थ सबसे छोटी है और सेकंड सबसे बड़ी है। इट मींस ए बी प्लस सी डी शुड बी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही आपका ग्राफर्स लॉ ठीक ग्राफर्स लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज ग्राफर्स लॉ फॉलो, ग्रासॉफ्स होता है वैसे, ग्राफर्स नहीं होता है, ग्रासॉफ्स लॉ फॉलो करेगा। क्लियर है? ग्रासॉफ्स ठीक है। अब चलो देखते हैं कब इनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ सेटिस्फाइज द ग्रासॉफ्स लॉ सच अ लिंक इज नोन एज क्रैंक और ड्राइवर, जो पूरा कंप्यूटर रिवोल्यूशन कर रहा था। इन फिगर एडी लिंक, एडी आपका कंप्लीट ड्राइवर था ठीक है। द लिंक बी सी, सेकेंड लिंक की अगर ये बात कर रहे हैं, विच मेक्स अ पार्शियल रोटेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो टू लिंक है वो छोटा रोटेशन कर रहा है, मतलब छोटा नहीं कम रोटेशन कर रहा है ठीक है। इसका रोटेशन कंप्लीट नहीं है, और अगर इसका रोटेशन कंप्लीट नहीं है तो क्या कहोगे? विच मेक्स अ पार्शियल रोटेशन और ऑक्सीलेशन इज नोन एज अ लीवर और रॉकर और फॉलोवर, सेकेंड लिंक। इसको आप बोल सकते हैं लीवर, रॉकर या फॉलोवर। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ? ड्राइवर ठीक है। ये तो फिक्स हो गया। इसको आप लीवर बोलो या रॉकर बोलो, लीवर बोलो बेसिकली और रॉकर बोलो और फॉलोअर बोलो, बात एक ही है ठीक है। नेक्स्ट एंड लिंक थर्ड विच कनेक्ट्स द क्रैंक, जो थर्ड लिंक है जो क्रैंक से कनेक्टेड है, क्रैंक मतलब ड्राइवर या फिर क्रैंक, ये जो ड्राइवर है इसी को क्या बोलते हैं? क्रैंक भी बोलते हैं ठीक है। तो जो थर्ड लिंक है जो क्रैंक से कनेक्टेड है, इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलते हो आप लीवर, इसको आप बोलते हो कनेक्टिंग रॉड और कपलर। क्या बोलोगे इसको आप? कनेक्टिंग रॉड और कपलर। रॉड और कपलर क्लियर ठीक है। नेक्स्ट द फिक्स्ड लिंक इज नोन एज द फ्रेम, और जो फिक्स्ड लिंक होता है उसको तो आपको पता ही है, आप उसको क्या बोलते हो? फ्रेम बोलते हो। फ्रेम और फिक्स लिंक ठीक है। अब आपके क्या है? कुछ इन्वर्जन है। ये इन्वर्जन आपके फोर बार चेन के हैं। इस फोर बार चेन में हम कभी फर्स्ट को करेंगे फिक्स, कभी सेकंड को करेंगे, कभी थर्ड को करेंगे, कभी फोर्थ को करेंगे ठीक है। इस तरीके से बारी बारी इन्वर्जन हम लोग करते हैं। ये जितने भी आपके दिखाई दे रहे हैं ये आपके पेपर में आते हैं। पहला है आपका बीम इंजन, दूसरा है आपका कपलिंग रॉड और अ लोकोमोटिव ठीक है, और भी एक दो होंगे। ये आपके एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं ठीक है। फोर बार चेन में कहेंगे मैं, फर्स्ट इन्वर्जन था आपका किसका? बीम, फोर बार चेन का, चेन में कहेंगे मैं ठीक है। बीम इंजन क्या क्या होता, किसका इन्वर्जन होता है? बीम इंजन जो होता है इन्वर्जन होता है किसका? फोर बार चेन का। ये फर्स्ट इन्वर्जन, कौन सा इन्वर्जन है? फर्स्ट इन्वर्जन। सेकेंड इन्वर्जन जो होता है वो होता है कपलिंग रॉड और अ लोकोमोटिव। थर्ड इन्वर्जन जो होता है वो होता है आपका वॉट्स इंटीग्रेटर मैकेनिज्म ठीक है। देखते हैं जरा क्या होते हैं, ये ध्यान से देखना, इसी बुक में ही देखना। ये बीम इंजन है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आपकी क्रैंक लगी हुई है, ये क्रैंक क्या करती है? आपकी रोटेट करती है। जब ये क्रैंक आपकी रोटेट करेगी तो आपका क्या होगा? लिंक थ्री अप एंड डाउन जाएगा। तो लिंक ए बी को क्या बोलोगे आप? फ्रेम या फिर फिक्स्ड ठीक है।
सॉरी, ये आपकी जो फ्रेम है, ये रहा जो फिक्स। फिक्स वाला पोर्शन है, इसको बोलोगे फ्रेम। सिलेंडर भी बिल्कुल फिक्स है, तो इस पूरे को बोलोगे फ्रेम, यानी लिंक फर्स्ट। और लिंक फर्स्ट के साथ जो सबसे छोटा कनेक्टेड होगा उसको बोल दोगे क्रैंक। क्रैंक कब बोलोगे? जब ये पूरा रोटेशन कर रहा होगा, ठीक है? जो ए बी लिंक है, जब पूरा रोटेशन कर रहा होगा तभी आप इसको क्रैंक बोलोगे। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि पूरा रोटेशन कर सकता है, इसलिए क्या हो गया, ये क्रैंक हो गया, ठीक है? और क्रैंक से लगा, ड्राइवर से लगा हुआ, या फिर क्रैंक से लगा हुआ जो लिंक होता है, उस लिंक को क्या बोलते थे आप? ये कनेक्टिंग रॉड या फिर कनेक्टिंग कपलर, रॉड, यानी थर्ड लिंक क्या हो गई आपकी? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड, फोर्थ लिंक जो हो गया, ये फोर्थ लिंक आपका क्या हो जाएगा? लीवर या फिर रॉकर। लीवर या फिर रॉकर या फिर फॉलोअर। बात आई समझ में? उसके बाद है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव केस में आपने दिखा देखा होगा, पुरानी जो रेल कार्स होती थी उनमें क्या होता था, इसी तरीके का मैकेनिज्म होता था, देखा था? वो जो कनेक्टिंग रॉड होती थी आगे पीछे मूव करती थी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती थी, लेकिन पहियों को कैसा देती थी वो? प्रोवाइड कराती थी सर्कुलर मोशन। वहां पर हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करते थे सर्कुलर मोशन में, ठीक है? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक मोटर को हम लोग पंप में कन्वर्ट कर रहे हैं, बार बार पिस्टन ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मोटर है जो आपकी घूमती रहेगी ऐसे, जब आप इसको घुमाते रहोगे ए बी को, जब आप ए बी को और नीचे लेकर के आओगे तो सी पॉइंट और नीचे आएगा, जब बी नीचे आएगा तो सी बी क्या आएगा? नीचे आएगा। जब बी ऊपर जाएगा तो सी बी कहाँ जाएगा? ऊपर। यानी ये मोशन कर रहा है अप डाउन, ये मोशन कर रहा है अप डाउन, ए बी का मोशन हो रहा है सर्कुलर। इसके अप डाउन मोशन की वजह से जो ई है, ई पॉइंट से कनेक्टेड आपका पिस्टन जो है वो भी अप एंड डाउन मोशन करेगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो पिस्टन के अप करेंगे डाउन मोशन। हाँ, पिस्टन के अप डाउन मोशन से ए बी को आप क्या करा रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं, ठीक है? ये हो गया। इसी तरीके से हमने बताया आपको कपलिंग डॉट क्या होती है, ठीक है? लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लिंक टू और लिंक फोर हैं, ये क्या हैं? इनको क्या बोलोगे आप? ड्राइवर बोलोगे। क्या बोलोगे? दोनों को ही क्या बोलोगे आप? ड्राइवर। लिंक वन को क्या बोलोगे? फ्रेम, क्योंकि फिक्स है, ठीक है? और लिंक थ्री को क्या बोलोगे? कनेक्टिंग रॉड। क्लियर? इसकी थ्योरी आप पढ़ लोगे, ये जो थ्योरी इसमें लिखी हुई है, इसमें इतना टफ नहीं है। तीसरा होता है आपका वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है ये। वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म जो है, ये है डबल लीवर मैकेनिज्म। इसमें दो दो लीवर होते हैं, ठीक है? अभी तक क्या होता था? एक क्रैंक या फिर एक ड्राइवर होता था, क्लियर। हाँ एक, सॉरी एक एक हाँ एक क्रैंक या फिर एक ड्राइवर होता था। अब क्या होता है? डबल लीवर है, ठीक है? ये वॉट मैकेनिज्म होती है, इसमें आपके डबल लीवर होते हैं। क्या हो रहा है इसमें? देखो, फिक्स्ड वाले तो आपका लिंक फर्स्ट हो गए, फ्रेम हो गए, ठीक है? ये फ्रेम हो गए, या फिर इनको क्या बोलते हैं, फ्रेम फिक्स वालों को क्या बोलते हैं? फ्रेम या फिर फिक्स या बोलते हैं। हाँ फ्रेम या फिर फिक्स्ड। चलो ठीक है। इसके बाद इनसे जो कनेक्टेड होता है, देखो फ्रेम से कौन कौन से कनेक्टेड है, एक तो पिस्टन कनेक्टेड है, दूसरा आपकी अगर दिखाई दे रहा हो तो बी, ए बी, ए बी लिंक क्या है इससे कनेक्टेड कनेक्टेड है कि नहीं? दिखाई दे रहा ना, यस दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो जब आपकी ये ए बी कनेक्ट जो है रॉड, वो सर्कुलर मोशन करेगी, एक सर्कुलर मोशन करेगी, तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक अप एंड डाउन मोशन करेगा। जब ये अप एंड डाउन मोशन करेगा तो पिस्टन भी अप एंड डाउन मोशन करता है, ठीक है? उसके बाद है सिंगल स्लाइडर क्रैंक, क्रैंक चेन। इसका क्या मतलब है? सिंगल स्लाइडर, एक स्लाइडर होगा क्रैंक चेन, एक फिक्स होगा मतलब लिंक, ठीक है? तभी ग्रॉफर्स लॉ को फॉलो करेगा। सिलेंडर पिस्टन, सिलेंडर असेंबली बनाई, इसमें आपका ये पिस्टन रॉड हो गई, ये वाली, ठीक है? ये पिस्टन हो गया और ये बाहर का पोर्शन आपका क्या हो अच्छा गया? सिलेंडर हो गया। आप क्या कर रहे हो? फ्लाई व्हील से लिंक टू को, ये ड्राइवर को क्या करा रहे हो आप? रोटेट कर रहे हो। फ्रेम कौन सा हो गया? लिंक वन। जब आप इसको रोटेट कराएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका एक पूरा चक्कर कट जाएगा। जब आप इसको नीचे लाओगे तो ये पिस्टन को आगे धकेलेगा, जब आप इसको
देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये ब्लू पॉइंट से रेड डॉट तक लेकर क्या होगा, तो पिस्टन आगे जाएगा, और जैसे ही इसके पीछे आ गए तो पिस्टन पीछे आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आगे जाएगा, मैक्सिमम पीछे जाएगा, किस लिंक की वजह से, क्रैंक की वजह से, ठीक है। क्रैंक से जो कनेक्टर होता है उसको, क्रैंक, क्रैंक से जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो ये आपके तीनों इन्वर्जन थे, ठीक। किसके में इन्वर्जन थे आपके? ये इन्वर्जन थे आपके इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन,